विधानसभा सत्र से निवृत्त होने व सोलन नगर निगम के चुनावों में प्रत्याशियों की सूची फाइनल करने के तुरंत बाद सुजानपुर पहुंचे राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर क्षेत्र में जबरदस्त सियासी फील्डिंग लगाई है। सुजानपुर की ग्राम पंचायत कोट में आयोजित राणा के नागरिक अभिनंदन समारोह में राणा के क्षेत्र के 26 परिवारों को कांग्रेस में शामिल करवाकर बीजेपी की नींदें एक बार फिर हराम की हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मुखिया नागरिकों की फेहरिस्त में पूर्व सैनिक सुहड़ू राम चौहान, परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के जिलाध्यक्ष अजमेर चंद राकेश चौहान, पूर्व हवलदार दलजीत चौहान, अनिल चौहान, संसार चंद, अशोक कुमार, अनिल चौहान के साथ पूर्व वार्ड मेंबर दिलीप चंद व भाजपा बूथ अध्यक्ष ओमकार चंद, अश्विनी चौहान, प्यारसी लाल, दीनानाथ, दिलजीत चौहान, अशोक कुमार, अजय चौहान, प्रीतम चंद, जोगिंदर सिंह, सुरिंदर सिंह, मोहिंदर सिंह, कोट ग्राम पंचायत प्रतिनिधि राजकुमारी कांग्रेस में शामिल हुई हैं। समझा जा रहा है कि आने वाले समय में राणा सुजानपुर में अपनी पेट पर पकड़ और मजबूत करने के लिए सुजानपुर में और उथल पुथल कर सकते हैं। पंचायती राज चुनाव के बाद सुजानपुर में चुने हुए प्रतिनिधियों का धड़ाधड़ कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए चिंता का बड़ा सबब बना हुआ है, लेकिन राणा धड़ाधड़ क्षेत्र में बीजेपी के लोगों का कांग्रेसीकरण करने में सफल हो रहे हैं। इसी बीच ये भी आरोप लगे हैं कि सुजानपुर बीजेपी मंडल ठेकेदारों का टोला बनकर रह गया है, जिन्हें पार्टी से ज्यादा अपने हितों को साधने की चिंता है। शायद इसी कारण से ठेकेदार नेताओं से कार्यकर्ताओं का मोह पार्टी से भंग होने लगा है। उधर राणा ने कहा कि पार्टी हो या परिवार, विश्वास व ईमानदारी सबसे जरूरी है। जब सुजानपुर में लोगों को बीजेपी के नेताओं व ठेकेदार नेताओं पर विश्वास ही नहीं रहा तो लोगों का ईमानदार व कर्मठ नेतृत्व के साथ आना संभाविक है। उन्होंने कहा कि हार का बदला अगर क्षेत्र की जनता को प्रताड़ित व अपमानित करके लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में लोग ऐसी पार्टी व ऐसे नेताओं के साथ रहना हरगिज पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब सुजानपुर में बीजेपी की राजनीति विश्वास व ईमानदारी के मसले पर ही सवालों के घेरे में है। कि हिमाचल प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता आजकल निराशा के दौर से गुजर रही है। आप ये देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई हमारे देश में हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर हैं नंबर वन पे पहुंच गया कोई कंट्री तो हमारा मुल्क पहुंच गया। आज आप ये देखिए कि 392 रुपये का सिलेंडर जो मिलता था आज 950 रुपये में सिलेंडर पहुंच गया। हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं, प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, अफसरों पे सरकार की कोई पकड़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और कोविड काल में लाखों की तादाद में जो लोग रोजगार में लगे हुए थे प्राइवेट सेक्टर में उनके रोजगार छूट गए। सरकार का उसको लेकर कोई एजेंडा नहीं। अभी बजट सेशन जो है खत्म हुआ है, सरकार का कोई ना विजन है ना बजट में इसकी कोई चर्चा है। अब जब लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। आज मुझे खुशी है, इस बात का मैं स्वागत करता हूँ कि आज कोट पंचायत जो कि मेरे चुनाव क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें लगभग 3000 प्लस वोटर्स हैं, आज 26 परिवार जो है आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूं और मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि आपका हर काम जो आपके विकास के काम होंगे हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कोट पंचायत में नहीं, पूरे सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में हमने पिछली सरकार में ढेरों सारे काम किए हैं और इस सरकार ने सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में विकास के नाम की एक ईंट नहीं लगाई है। जो पिछले काम राजा वीरभद्र जी की सरकार के समय स्वीकृत हुए थे वही काम चले हैं, वो भी कछुए की चाल कर दिए हैं। अगर इन्होंने किया है तो जो विकास के काम चले हुए थे उनको रोकने का काम किया है, इसलिए लोगों में निराशा है। आज 26 बार परिवार ज्वाइन किए हैं, पीछे 160 लोग ज्वाइन किए पिछले टूर में, कल और लोग ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए लोगों की अब जो है वो सरकार के प्रति और भाजपा के प्रति निराशा है। और अब गिनती के दिन इस सरकार के रह गए हैं, 1.5 साल बाद सरकार जाने वाली है, नई सरकार आने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो ऐसा है ना कि जो इन्होंने आरोप लगाया था सुजानपुर में कि जो नाम इन्होंने तीन नाम लिए कि चार नाम लिए कि जी फलाने वार्ड से जो है वो तो ज्वाइन ही नहीं किए, एक वार्ड में एक नाम के चार चार लोग हैं और जो लोग ज्वाइन किए थे उन लोगों ने बाद में बयान दिया कि हमारा नाम ये है, हम लोग गए थे, हमने इच्छा से ज्वाइन किया है। जबरदस्ती कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है। ये ठीक है कि भाजपा के लोग
दिल को बहलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी इच्छा से लोग ज्वाइन करते हैं। देखिए आपके सामने ज्वाइन किए कि नहीं किए, अब मेरे साथ खड़े हैं सुडू राम जी, खड़े हैं अजमेर जी, खड़े हैं कितने पूर्व सैनिक, खड़े हैं पूर्व भाड़ पंच, खड़े हैं 26 परिवार जो है इच्छा से आए हैं। और ये सारे लोग मैं मुझे जानते हैं, इनको मालूम है कि भाई हम लोगों ने पहले भी काम किए, आगे भी करेंगे, इनके कहने से भी काम जितने भी हो गए हम काम करेंगे। और अब भाजपा के दिन जो हैं वो सरकार के घिनती के रह गए, केंद्र में भी सरकार जाएगी और प्रदेश में भी जाने वाली है। तो कोई ना कोई इनकी आपसी बात हो सकती है। अब औद्योगिक प्रकोष्ठ के जो इनके अध्यक्ष हैं वो क्या है वहाँ पर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो सीबीआई ने रेड करी होगी, और सीबीआई अपना काम करे और कुछ पाया जाएगा तो वो तो सीबीआई ने बताना है कि क्या पाया गया क्या नहीं पाया गया। हमारा तो सीधा सीधा एजेंडा है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, लोगों के काम हो, नौजवानों को रोजगार मिले, विकास की गति जो है वो तेज हो, और यहाँ पर लोगों में खुशहाली हो, प्रॉस्पेरिटी आए। और इस दृष्टि में देखो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का कितना स्कोप है, टूरिज्म में बहुत बड़ा स्कोप है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश इज ए गोल्ड माइन स्टेट, पर इसको कैश नहीं किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों में जो निराशा है, लोग सबसे बड़ा आज मुद्दा प्रदेश का ये है कि लोगों को रोजगार मिले। अब कोविड काल में टूरिज्म सेक्टर का जितना नुकसान हुआ है, लोगों ने होटलियर जो है उन्होंने लोन ले रखे थे, और टूरिज्म के साथ बहुत बड़ा रोजगार जुड़ा हुआ है। कोई डायरेक्ट रोजगार है, कोई इनडायरेक्ट है, कोई मछली दे रहा है, कोई मटन दे रहा है, कोई चिकन दे रहा है, कोई धोबी का काम कर रहा है, कोई टैक्सी का काम कर रहा है, ये सारे के सारे प्रभावित हुए हैं। और सरकार का इस दृष्टि से इस सेक्टर को उभारने के लिए अभी तक कोई जो है वो ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया। कि मुझे ऐसा लगता है कि चलो सरकार ने कोविड का बहाना लिया कि कोविड के केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार, ये जो हमारी देश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकारें हैं, इनको अपना कोई इलेक्शन हो, इन्होंने अपना कोई रैलियां करनी हो, अपने कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, पब्लिक मीटिंग करनी हो, तो कोई कोरोना नहीं है, तब सब हो जाता है। और जब लगता है कि कोई कोई इनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होने वाला है, लोग इनसे पूछने वाले हैं कि काम क्यों नहीं हो रहे, तो कोविड का बहाना लगा के कभी लॉकडाउन हो जाता है, कभी कर्फ्यू लग जाता है, कभी प्रतिबंध लग जाते हैं। तो ये सरकार बहाने बनाकर जो है लोगों का नुकसान कर रही है। देखो बात ऐसे है कि हमने बीजेपी को भी मोर नहीं लगाई थी, हम बीजेपी के थे। राणा जी से हमारी मुलाकात हुई और इनके विचार हमें अच्छे लगे, और इन्होंने प्रोग्राम रखा, हमने भी हाँ कर दी, और जितने हमारे से सहयोग हुआ 25-26 परिवार इकट्ठे किए हमने, और राणा जी के साथ हम कंधे से कंधे के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, और राणा जी ने हमें बधाई दी और हमने राणा जी को दी, इसलिए हम कांग्रेस में चले गए। मैं आपको पता ही है कि ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, और परिवहन मजदूर संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ मीरपुर में, और 33 साल हमने इनके साथ काम किया, इनकी विचारधारा हमारे संगठन से मिलती थी, इसलिए हमने बीजेपी के साथ काम किया। मगर 33 साल में आश्वासनों के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। जो बच्चे इनके पास माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से होने के नाते, जो बच्चे इनके पास 98-99 से जाने लगे थे, वो बच्चे 19 और 20 साल के थे, आज वो बच्चे 40 और 41 साल के हो गए हैं। आज तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं इन्होंने दिया है, तो इसलिए हमने मन बनाया। राणा जी भी बीजेपी में थे, पहले से हम जानते थे, और इनके विचार हमने सुने और सुनते भी हैं, और इनके कामों को देखते हुए, क्योंकि कोट पंचायत में पानी का जो था इन्होंने मतलब शिलान्यास तक नहीं किया था, पानी की इतनी समस्या कोट में थी, तो राणा जी के नेतृत्व में इतना बड़ा टैंक हमारे गांव में बना है, और इस टैंक से हम जो है दूसरी इलाकों को भी पानी सप्लाई कर रहे हैं। डिस्पेंसरी थी हमारे हॉस्पिटल का काम लटका हुआ था, वो राणा जी ने करवाया वीरभद्र के नेतृत्व में, हमारे सामने उद्घाटन हुआ, हमारे सामने शिलान्यास हुआ था, मैं भी रिटायर हो गया था उस टाइम। तो इसलिए हमने पक्का मन बना लिया कि हम कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि हम भी शिमला तक दौड़े इनके पीछे कई लोगों के कामों को लेकर, आज तक वो काम नहीं हुए। हमारी
अवैध कब्जों वाली जैसे प्रदेश सरकार की जमीन है उनमें बुजुर्गों ने मकान डाले हैं, 60-60, 70-70 साल से मकान पड़े हुए हैं और उसमें इन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको नियमित करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं किया। इन्होंने फाइलें बनवाई, लोगों का पैसा खर्च करवाया और आज तक कुछ नहीं हुआ। आज हमें राणा जी ने विश्वास दिया है कि मैं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगा और हो सका तो इसके ऊपर चर्चा होगी और सरकार अगर कांग्रेस की अगली आती है और आनी है, क्योंकि हिमाचल में आपको पता ही है कि सरकारें बदलती रहती हैं, हर 5 साल बाद सरकार दूसरी पार्टी की आती है, तो हमें विश्वास इन्होंने दिया तो हम इनके विश्वास को लेकर चले हैं कि लाखों लोगों के अवैध कब्जे हैं उसको ना हटाया जा सकता है। अब ये बीजेपी की सरकार जैसे शरणार्थी बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या श्रीलंका से आ रहे हैं, उनको तो कहते हैं कि इनको नागरिकता दो और पक्के मकान बना कर देंगे। जो यहाँ के बसिंदे हैं, यहाँ पर पैदा हुए हैं, उनको बोलते हैं इनके मकानों की बिजली पानी काट दो, इनको उखाड़ दो। ये कौन सी मतलब दोहरी नीति है सरकार की। इसलिए हमने मन बनाया और हमने पार्टी को भी छोड़ा, दरकिनार किया और हम राणा जी से के साथ हमने हाथ मिलाया है और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इनको भारी बहुमतों से अगले चुनाव में जीत दिलाएंगे।